अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेफ, क्राइम टुडे न्यूज। बंजारा हिल्स डिवीजन के कॉरपोरेटर विजय लक्ष्मी ने आज खाजा नगर और भोला नगर के 500 गरीब खवातीन को, बूढ़े और जवानों को कपड़े तकसीम की। विजय रेड्डी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हमेशा गरीब आवाम के लिए सोचते हैं और जब से हुकूमत आई है तब से गरीब लोगों के लिए एक से एक स्कीम निकाल रहे हैं और ये पहले चीफ मिनिस्टर है जो गरीब लोगों के लिए सोचते हैं। 500 लोगों को कपड़े तकसीम किए। हम भी यही चाहते हैं कि ये गरीब आवाम की मदद और गरीब आवाम की सहूलतों को अगर हुकूमत ऐसे ही देखते रही तो भी बहुत अच्छी बात है। विजय लक्ष्मी के साथ शरीफ, नासिर, तहसीन, इमरान, पप्पू और खुर्शीद के अलावा दिगर भी मौजूद थे। मोहम्मद गौस और शेख वाहिद के साथ क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। ईद के लिए तोहफा भेजी है, गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा भेजी है, तो हम लोग ने एक 500 पैकेट घर एक्चुअली एक मस्जिद में, बड़े मस्जिद में दे दे और थोड़े बचे हुए मस्जिद में आज हम लोग ने भोला नगर, खाजा नगर, श्री राम नगर, उदय नगर में बांटना शुरू कर दिए। मुसलमानों भाई बहनों को मेरे ईद मुबारक। मैडम, पब्लिक से क्या रिस्पॉन्स आ रहा अभी तक? इतनी हुकूमत आके चली गई, टीआरएस गवर्नमेंट को ऐसा क्या मिला कि ये रमजान में गिफ्ट? देखिए, सब लोग खुश रहना चाहिए। एक अमीर लोग कपड़े खरीद सकते तो बड़ी तरफ से ईद मना सकते, मुसलमान अभी पुअर पीपल नहीं कर सकते। इसलिए तो हम लोग केसिया साहब ने सोचा है कि सभी के घर में एक खुश रहो, एक खुशी का मौका, खास मौके पे ईद एक बड़ी क्या बोलते हैं रमज़ान, बड़ी एक ही फेस्टिवल होती है मुसलमानों का और बड़ी फेस्टिवल होती है, सभी के घर में मुस्कुराना देखना चाह रहे हैं हम लोग। मैडम, बाकी के और जितने भी एरियाज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स के अलावा और भी एरियाज हैं, वो लोग के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या और भी जो गरीब लोग हैं एरियाज में, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैसेज नेक्स्ट टाइम और हम लोग कोशिश करेंगे कि और देने के लिए। देखो, अब तो स्टार्ट करें, हम लास्ट ईयर से स्टार्ट करें, अभी हम लोग देख रहे हैं, अब इफ्तार पार्टीज हैं, जिसको इफ्तार पार्टीज नहीं मिली हम लोग एक कपड़े बांट रहे, तो देखेंगे कि क्या करेंगे, केसीआर साहब से पूछेंगे कि क्या करें। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि 500 पैकेट्स मेरे को मालूम है अभी खाजा नगर बोला कम है, मगर फिर भी अब गरीब लोग को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम लोग गरीब लोग के लिए, फिर बाद में हम लोग ट्राई करेंगे कि और ज़्यादा और रोज लोग को रीच करने के लिए। मैडम, ये आधार कार्ड लेने का मकसद क्या है? आधार कार्ड नहीं, देखिए कैसा है, एक आधार कार्ड खाली एक शो है, मगर एक जने, अब देखिए बहुत सारे उधर ठहर के रहते हैं, हाँ, तो एक एक जने देके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब इतने सारे पैकेट्स हैं हमारे पास, अब 500 है, सो 500 से ज़्यादा आए तो हम लोग कैसा दे सकते हैं? तो 500 पहले हम लोग जो रीच करें, पहले जो हमारे पास आते मैडम गरीब लोग को हम लोग चुन रहे कि कौन गरीब, एक्चुअली गरीब कौन है, उन लोग को देख के वो आधार कार्ड लाओ बोल रहे, तो आधार कार्ड लेने से हम लोग साड़ी दे रहे, तो एक्चुअल गरीब को हम लोग चुन रहे, हमारे जो लीडर्स हैं और हमारे बस्ती में जाके हम लोग चुन रहे कौन रियली नीडेड, तो देख के हम लोग दे रहे। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जारा शेफ।